दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है सिडबी के नए अध्यक्ष। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले शिव सुब्रमण्यम रमन ने सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। सरकार के मुताबिक यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निदेशक स्तर की नियुक्तियों के बारे में सिफारिश करने वाले निकाय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने इस पद के लिए रमन के नाम की सिफारिश की थी। रमन भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा के 1991 के बैच के अधिकारी हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रधान वित्तीय संस्थान के रूप में भी कार्य करता है। यह बैंक समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों के बीच समन्वय का भी काम करता है।